चुनाव हो रहे हैं, इस बात को कई बार चर्चा देश में हो रहा है कि एक चुनाव आता है, कोई मिड टर्म पोल, पूरे राज्य में कार्यकाल बंद, बैन, इलेक्शन बैन। कहीं ये एक असेंबली में आता है, पूरे जिले में बंद, टप। इस प्रकार का विकास में भी ये बाधा पड़ रहा है। हर किसी का चिंता है कि ज़्यादा बार 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 चुनाव ना हो, इसका कुछ तरकीब ढूंढा जाए। इसमें कई मतलब प्रपोजल्स है, हमारे सामने भी कुछ प्रपोजल है, उसमें मैंने दिया एक चीज़, जहाँ सरकार गिर जाता है किसी राज्य का, तो बाकी टाइम के लिए ही चुनाव हो, 5 साल के लिए फिर ना हो, ऐसे कुछ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, इस चीज़ को पूरे विस्तार से, मैंने कम चीज़ बताया आपको, एजुकेशन पे भी बात करना है, हेल्थ पे भी बात करना है, कई अन्य चीज़ें भी है। बीआरएस पॉलिसी की टोटल ड्राफ्ट बन रही है, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी फार्मर जजेस हैं जिनको हमने रिक्वेस्ट किया है, वो लोग लगे हुए हैं। हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिसेस भी है, वो लोग भी लगे हुए हैं। कई श्रेया पांड्या, कौशिक बसु जैसे, गोविंद राव जी जैसे अर्थशास्त्री भी है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और कई शास्त्रज्ञ हैं जैसे अशोक गुलाटी जैसे, एग्रो इकोनॉमिस्ट भी है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और कम से कम एक 50-60 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स भी है, राज्यों में चीफ सेक्रेटरी के दर्जे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई बड़े पोस्टों पर काम करने वाले लोग भी है। एक 100-125 लोगों की गुट इसमें काम कर रही है। एक डॉक्यूमेंट के शक्ल में कुछ ही समय में हम देश के सामने उसको पेश करेंगे। सर सर एक एक मेरा सवाल है सर, सर 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 अभी आपने जो नो एंग्जाइटी प्लीज वन एट ए टाइम एक 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 बार पूछ रहे ना भाई, सर इधर से एक क्लिक। सर दिस इज श्रीनिवास फ्रॉम डेक्कन क्रॉनिकल। सर यू हैव बीन पुशिंग द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एजेंडा एंड यू हैव इंटेंसिफाइड दिस व्हेन यू हैव शिफ्टेड टू बीआरएस टू फाइट अगेंस्ट द national parties at center. Sir, when it comes to ideological stand, what would be your ideological stand to fight against the divisive forces and hatred, spreading hatred? So what would be your ideological stand in fight against the divisive forces as a BRS? I have made it very clear just now that all citizens will be treated equal. There should be no division, no disrespect to anybody. Everyone shall get their right, everyone shall be respected. This is our policy. इसके विरोध में जो काम करेंगे उसके विरोध में हम डटकर कहेंगे जनता को, वही हमारा पॉलिसी। सर सर मेरा एक सवाल है माफी के साथ, सर इधर इधर इधर, आप महाराष्ट्र में आए हैं, नांदेड़ भूमि में आए हैं, इसलिए नांदेड़ के पत्रकारों को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए सवाल करने का। आप जो है आपके करीबी है शायद वो लोग, इसलिए आप उधर देख रहे हैं। नहीं 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 है ना सर। हाँ तो सर आप मेरा एक सवाल सुनिए, अभी आपने ज्यादा करीबी आप ही हैं। सर 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 मेरा सवाल सर, अभी आपने जो भी बात रखी उसमें आपने मोदी की पॉलिसीज पर तीखी टिप्पणियां की, तनकीद डिसाइड किया, मगर सर एक हकीकत यह भी है कि आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। आपकी जो पार्टी है वो पार्लियामेंट में पिछले कई दिनों से मोदी की द्वारा जो बिल लाए गए उन्हें सपोर्ट कर रही है सर। तो आप फ्यूचर में आपका स्टैंड जो है बिल सर कई सारे बिल है, मैं बोलता हूँ ना सर, इवन जो है आपने कौन सा बिल सपोर्ट किया बताओ, राष्ट्रपति इलेक्शन में भी जो है वोट के ताल्लुक से राष्ट्रपति नहीं, किसान का बिल, किसान का जो से सर उसको लेके जो है आपकी पार्टी का जो स्टैंड ने कभी समर्थन नहीं किया, स्टैंड क्लियर नहीं था सारे सारे आपने नहीं देखा होगा। ट्रिपल तलाक हमने बिल्कुल विरोध किया, ट्रिपल तलाक के लेके विरोध किया, स्टैंड क्लियर नहीं था, बिल्कुल विरोध किया हमने, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल एनआरसी का विरोध किया, ट्रिपल तलाक विरोध किया, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है सर। आप